Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy, Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, आज रॉबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम रॉबी एंड आज़म व्लॉग, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, प्लीज उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं निशु तिवारी और मयंक कौशिक, इनकी वीडियो है। ये बहुत मजे की कंटेंट बनाते हैं, फनी कंटेंट बनाते हैं और थोड़ा बहुत मिस्टर बीसी कॉपी भी करते हैं, उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, कंटेंट का बहुत अच्छा होता है। तो मैं मुझे पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ इसको, आप लोग भी बड़ा पसंद करते हैं मेरे रिएक्शन को इसके ऊपर। तो मैं वीडियो का टाइटल बता देता हूँ, इग्नोरिंग निशु फॉर 24 आवर्स प्रैंक। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस फाइनली आज मैं बनाने वाला हूँ इग्नोरिंग निशु फॉर 24 आवर्स चैलेंज, क्योंकि आप लोग जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ एक ही कमेंट करते हो, इग्नोरिंग निशु बनाओ, इग्नोरिंग निशु बनाओ, इग्नोरिंग निशु बनाओ। बट अभी तक मैं चैलेंज इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था ये वाला चैलेंज मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन निशु को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और आज निशु का एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट था जिसके लिए निशु ने मुझे 9 बजे बुलाया था, बट अभी 12:30 बजे हुए, मैंने अभी तक उसका एक फोन तक भी नहीं उठाया, उसने मुझे 20 कॉल कर लिए और अभी मैं जा रहा हूँ उसके फ्लैट पे। उसको लगा कि फाइनली ये आ गया है अब शूट करेंगे, बट मैं तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेट्स गो। हेलो आयुष, आ गए। हेलो, कैसा है? कैसा भाई, मैं व्लॉग करता हुआ था ना अपना। चलो आ जाओ। तो गाइस मैं आयुष के पास पहुंच चुका हूँ फाइनली। गर्मी हो गई है, आप इतनी जल्दी आ गए सर। और आयुष तेरे लिए लाया हूँ गिफ्ट। ओह माय गॉड। यस भाई, एक बात बता, अगर तुझे नहीं आना था मैं तुझे सुबह से कॉल कर दूँ शूट के लिए, तुझे मेरा शूट पूरा डिले करवा दिया। नहीं आना था तो कॉल उठा के बता देता, 2 बज के तेरे चक्कर में। मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा डेली व्लॉग्स। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब डेली व्लॉग्स की कमी हो गई है, भारी कंटेंट की कमी हो गई, तब यही सब करना पड़ रहा है। नल्ला मची। तो मैं बता रहा था कि डेली व्लॉग इसलिए बनाऊंगा कि देख चैलेंज में क्या हो रहा है कि हम बैक टू बैक गाइस वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। हाँ। और लोग बोल रहे हैं कि भैया डेली डालो, डेली डालो। अच्छा। तो वो कह रहे हैं भैया आप लाइफस्टाइल भी दिखाओगे अपने, तो हम देखेंगे, पर आप डेली व्लॉग डालो। वो लाइफस्टाइल जिसका है ही नहीं। आयुष भी गाइस मेरे साथ आपको वीडियो में लगातार दिखता करें। और गाइस आज जैसे कि डेली व्लॉग सीरीज का हमारा पहला व्लॉग है, तो आज का मैं तो छोटी बच्ची हूँ, सर दिखा रही हूँ, है ना, मुझे तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है ना। इग्नोरिंग वाला व्लॉग बन सकता है, करो भाई ये नाटक करो, कर ले तू, शूट कर ले अपना। आयुष भाई और मैं दोनों अभी बाहर जा रहे हैं, लेट्स गो। मेरे साथ साथ तुझे भी इग्नोर करना है, ठीक है ना? तूने मुझे किया था ना इग्नोर, इग्नोर कर रहे हो? हाँ। अच्छा आपको बच्चा है क्या? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, इसके आने से पहले निशु के आने से पहले ना भाग लेते हैं। भागो। आना बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, वो आ जाएगी वरना। तो गाइस अभी हमने गाड़ी में बैठ चुके हैं, निशु गाड़ी में आई नहीं है, पता चल गया तो क्या हो गया, बदलाव लेना पड़ेगा ना। उस दिन ये बहुत बड़ा शामिल था भाई, दिल टूटा था उस दिन मेरा, मैं तो हर जगह शामिल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ और अभी हम ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे ब्लॉग कर रहा हूँ, उसको लग रहा हूँ मैं बहुत तगड़ा ब्लॉग कर रहा हूँ। ये शीशा मेरा टूट जाएगा, ऐसा मजा लग रहा है, भागना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा वरना इस सब को। देखिए इसके अंदर देख, बहुत तेज हो गई है भाई, इसको पता चल गया ना इग्नोर कर रहे हैं तो जान मुझे उल्टी हरकत करेगी, मेरा चैलेंज बनने भी नहीं, मुझे लग रहा है। और गाइस मैं भी ट्राई करूंगा अपना चैलेंज पूरा करने का, 24 घंटे तक तो उसको बिल्कुल भाव दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, चाहे जल्दी से निकल लेते हैं। ये क्या हरकत है यार, ये गाड़ी क्या है, हमने उठा ली है, अब टाइम है चलने का, सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने एक और दोस्त से मिलने जो कि वेगास मॉल में हमारा इंतजार कर रहा है, उसको मैंने बहुत स्पेशली दूर से बुलाया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आज हम उससे मिलने वाले हैं और उसके साथ मैं, आयुष और वो, हम तीनों मिलके जाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग जगह पे और वहाँ बनाएंगे बहुत ही स्पेशल व्लॉग। तो गाइस अभी मैं और आयुष आ चुके हैं मॉल के बाहर और गाइस आपको पता ही होगा इंटरनेशनल मेंस डे आ रहा है, इसलिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छे दोस्त आयुष को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मैं आयुष तुझे दे रहा हूँ ये मेरा खुद का फेवरेट बन चुका है,
तेरे लिए लेके आया हूँ फाई का सोशल परफ्यूम। बढ़िया यार, घंटों तक अच्छा महकना तो सबको पसंद है, पर आजकल ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा परफ्यूम ढूंढना ही अपने आप में बड़ा काम है। पर फाई का ये सोशल ईडीटी परफ्यूम इसके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये बनाए मिंट और ऑरेंज के नोट से, जो इसे रिफ्रेशिंग एक्वा और साइट्रस फ्रेग्रेंस देता है। और गाइस ये परफ्यूम बहुत ही सेक्सी लुकिंग बोतल में आता है जिसकी वजह से पॉकेट में कैरी करना भी बहुत इजी है और बर्थडे पे या फेस्टिव सीजन में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और वीगन है। और गाइस फाई का प्रोडक्ट है तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि फाई की स्पेशलिटी है सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन, इसीलिए इट्स अ गाय थिंग। पर आप इसे मंगा सकते हो सिर्फ 750 रुपए में, आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो 35% तक के डिस्काउंट पे। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो आप इसकी 50 ml की बोतल मंगाकर खुद ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है तो आप इसे खुद को गिफ्ट कर दो, ये प्रोडक्ट बहुत ही सही है, इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ खरीद लो अपने लिए बढ़िया सा परफ्यूम। बहुत ही ज्यादा रुपए तक वो कराइए, इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अब, पर फिर भी मैंने ठाना है कि मैं अपना ये चैलेंज पूरा करके ही रहूँ। बंद कैसे हो गया? इसने हमें परेशान करने के लिए एलिवेटर बंद कर दिया, इसको डांट के नीचे से गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ठीक है भाई, ने सबसे अच्छा पता क्या करा है, तीन लोगों की जगह पे ही बैठे हैं ताकि तीन ही लोग बैठे। मैं आयुष और डीके, अब मैं जा रहा हूँ हम तीनों के लिए कुछ बढ़िया सा खाना लेने के लिए। ये मेरे लिए ऑर्डर नहीं करेगा, मैं जा रही हूँ इसके साथ। गाइस हम थोड़ी देर बाद जाएंगे खाना लेने, अभी हम पहले बात कर लेते हैं। हाँ थोड़ी देर बाद बर्गर लेने की लाइन में खड़े हो गए हैं, तो हमारे साथ आगे बस दो ही लोग खड़े हैं। मैं तो मिस्टर इंडिया हूँ। वाओ कितने अच्छे, एक बात बताऊं, मजा खाने में नहीं होता, मजा साथ बैठने में होता है। तो उस जोहर में आ रहा है, अकेले लोग पता नहीं कैसे जीते हैं, मजा तो दोस्तों के साथ है यार। गाइस अगर आप भी अपने दोस्तों को प्यार करते हो और आपको दोस्तों का मजा आता है, धीरज भाई ने बढ़िया खाना वाना खा लिया है और आयुष भाई ने भी खा लिया है, और अभी हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह, एक बहुत स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जल्दी चलो गाड़ी पार्किंग में, गाड़ी निकालते हैं, लेट्स गो। गाइस धीरज भाई भी इतने बढ़िया निकले, इनको बस मैंने आके ऑन द मोमेंट ही बताया था कि निशु को इग्नोर करना, पर धीरज भाई प्लान नहीं था, एक मिनट में समझ गए अपना खाना वाना छोड़ के सब आ रही है एक्टिविटी के नाम पे। इसको लगता है कि हम इसको भी उस स्पेशल जगह ले जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, बट इसको नहीं ले जाएंगे। भाई ये कितनी पागल है, मॉल के बीच में लेट गई भाई, ये तो बहुत अमेरिकन करा रही है, यहाँ से निकलो यार। तो गाइस अभी हम आ गए हैं तीनों पार्किंग में और हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, और स्पेशल जगह पे हम जा रहे हैं और सिर्फ हम तीन लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे और इंजॉय करेंगे। जिसके पास चाबी है वही आगे बैठेगा, करने दो इन्हें, देखूंगी मैं कब तक करेंगे। सो गाइस अभी हम आ गए मॉल से बाहर और अभी हम तीनों जा रहे हैं बहुत ही तगड़ी जगह मजे करने, ये और सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम तीनों लड़के लड़के जा रहे हैं, कोई लड़की वड़की साथ होती बड़ी दिक्कत होती, बहुत दिक्कत देती है। कब तक मुझसे बात नहीं करेगा यार, कब तक, सोच ले यार, तेरे पास मौका है अपने दिल की बात रख दे, तू मुझसे प्यार करता है ना, मुझे पता है, सबको पता है, गाइस आपको पता है ये मुझसे कितना प्यार करता है, यार तू मुझे अपने दिल का हाल बता दे, मैं हाँ कर दूंगी, मेरी तरफ से हाँ है हर प्रपोजल के लिए, हाँ हाँ हाँ। तेरे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में अगर तूने हाँ बोल दिया तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.8 कम
मतलब इसे मुझसे प्यार नहीं है, कोई बात नहीं गाइस। अब मैं भी जीत प्यार देखो। तो गाइस फाइनली हम तीनों पहुंच चुके हैं अपनी उस स्पेशल जगह पर जहाँ जाने के लिए हम सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो लेट्स गो, अपने टिकट्स लेते हैं और अंदर चलते हैं। निशु के टिकट नहीं लेंगे ना, निशु को अंदर जाने देंगे तभी तो आएगा। असली मतलब चार पीछे आ रही है। तीन टिकट दे दो, 450। तीन को लेना, मेरी भी तो ले। तीन टिकट लेना, चार लेना। तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी तो जाऊंगी। चलो गाइस हमारी तीन टिकट्स मिल गई ना। टूटा हुआ साज हूं मैं, अंदर चले गए हैं, ये मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो ना। इन लोगों ने मेरी टिकट ली, मतलब हद है यार। अपनी खुद लेनी पड़ी है, इन्हें क्या लग रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ले ली अपनी टिकट। कई बार ना बहुत ज्यादा ही कर देते हैं इन लोग, कोई दिक्कत नहीं है, देख तू कब तक करेंगे। अपने पैसों से टिकट लेकर अंदर तो आ गई है, वह बेचारी कोने में बैठ के रो रही है, बहुत उदास लग रही है। उसके साथ कोई खेल ही नहीं रहा, अकेले बोल रही है। मुझे नहीं खिला रहे ना अपने साथ, मैं भी देखती हूँ ये खुद कैसे खेलेंगे तीनों। अब मैं इनको हर चीज में भाई, मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का मारा है ना, फंस गया। यहाँ पे हॉरर एक्टिविटी हो रही है गाइस, यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हॉरर एक्टिविटी है सच में। हाँ ठीक है चलो, हो गया गाइस हमारा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। आओ ठीक है गाइस, मैंने सुबह से बहुत ट्राई कर लिया, इसके नाक में दम कर दिया और इसको इतना परेशान किया, हर चीज कर ली, बट स्टिल अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, हार नहीं मान रहा है। बट मेरे पास भी एक हुक्म का इक्का हाथ लगा है, इसका प्ले बटन आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से, और ये बात इसको नहीं पता क्योंकि ये मेरे एड्रेस पे आया है। तो अब मैं जाके इसको और मुझे जहाँ तक लगता है 95% चांसेस है कि ये रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से अपने बटन का वेट कर रहा है। अब चलकर देखते हैं यार, किसी का बटन आया हुआ है यार, किसी का YouTube बटन आया हुआ है, किसी का YouTube का बटन आया हुआ है जिसका उसे इंतजार था। कैसा लगेगा अगर ये YouTube का बटन किसी के हाथ ही ना लगे और टूट जाए। ओके गाइस, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। गाइस ये एक मयंक कौशिक नाम का बंदा है जिसका सिल्वर प्ले बटन आया हुआ है, और अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो किसी का क्या रिएक्शन होगा। इसके लिए हमें टेबल पे चढ़ना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जितना ऊंचाई से गिरेगा उतनी ऊंचाई से ज्यादा चोट लगेगी। एक तो मैंने देखा नहीं, मुझे बटन छुपा के रख रखा है यार। भाई भाई इसने रिएक्ट करा, इसने रिएक्ट करा गाइस, इसने रिएक्ट करा। कितनी नीच है यार, मेरा बटन आया हो तो मुझे बताया तक नहीं। अब भाई ये चैलेंज आ रहा है, लाइक करो मेरे लिए और कमेंट करके आप बताओ। ये थी और ये जो इग्नोरिंग प्रैंक था, इग्नोरिंग चैलेंज था, बहुत मजे का चैलेंज था, आई लव्ड इट। और इनके वैसे कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और एंड में वो फाइनली ने उसको पकड़ ही लिया, उसकी तख्ती रोक के और उसने ना पाव रख दिया कि भाई अब मैं तो तोड़ने लगी हूँ। एनीवेज गाइस मजा आया देखकर, एंड आई नो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।